एक कार सवार व्यक्ति नूं शरेआम गोलियां मार के जख्मी करन दा मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जदो एक व्यक्ति अपनी कार दे विच सवार होके जा रहा सी तां रस्ते दे विच उसनूं गोलियां मारियां गईयां ने ते उह गंभीर हालत दे विच जख्मी होया है ते उसनूं हुण इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तां मामला गुरदासपुर दे कस्बा बहरामपुर तो सामने आया है जिते कि एक कार सवार दे शरेआम गोलियां मारियां गईयां ने। हालांकि राहगीरां दी मदद दे नाल जख्मी नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। दूजे पासे हुण पुलिस भी मौके दे उत्ते पहुंची है ते पुलिस दे वल्लों इस मामले दी जांच कीती जा रही है कि आखिर गोलियां क्यों मारियां गईयां ने ते किन्हां वल्लों इह गोलियां चलाईयां गईयां ने। फिलहाल पुलिस हर एंगल तो इसकी जांच कर रही है। दूजे पासे आले दुआले लगे सीसीटीवी फुटेज भी इस नूं लैके खंगाले जा रहे ने कि आखिर किन्ने लोगों के वलों यह गोलियां चलाईया गई ने। हालांकि पुलिस के वलों पंज के उत्ते मामला दर्ज किया गया। पुलिस वलों कहा जा रहा है कि जल्द ही मुलजमान नूं गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो गुरदासपुर के शरेआम गोलियां चलाईया गई ने। एक कार सवार व्यक्ति नूं गोलियां मार के जख्मी करन दा मामला सामने आया है। जहन जी ये पहला सानू पता लगा है बीती रात रमेश कुमार सन ऑफ अपने शिवलाल में जिहड़ा पिंड नवा पिंड का रहने वाला इहनू किसी गोली मारती तो ये बंदा दाखल उत्थे जी अपने गुरदासपुर जिस संबंधी जिहड़ा मुद्दा बयान हासिल किया गया रमेश कुमार का जिस दे बयान के आधार से दोषियों के खिलाफ जिहड़ा मुकदमा 78 अंडर सैक्शन 353 अंडर सैक्शन 307 25 जना 147 IPC ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਐਨ ਸਖਤੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰੋਂ